मॉर्निंग भाई लोग। तो गाइस मैं मस्त से तैयार होकर के फ्रेश अप हो गया और मैंने ना आज सनस्क्रीन वगैरह भी लगा लिया, क्योंकि भाई धूप ना इतना कड़ा है ना भाई, चेहरे पे चुभता है जब भी मैं जाता हूँ। तो भाई लिटरली मैंने सोचा सनस्क्रीन पड़ा ही है तो उसको मैं लगा लिया, 2 दिन से ट्राई कर रहा हूँ, देखता हूँ कैसा रहता है। ये सब कभी मैंने लाइफ में नहीं लगाया था सनस्क्रीन वगैरह, तो फर्स्ट टाइम मैं लगा रहा हूँ, देखते हैं कुछ रिएक्शन वगैरह तो नहीं होता है। और बाकी का ऐसा दिख रहा हूँ मैं, चलो चलते हैं फटाक से टिफिन वगैरह लेते हैं, निकलते हैं। मैंने ना बैग में सॉस ले लिया, होपफुली वो गिरे नहीं। एंड आजकल ना नोट कान में डाल करके सुन के ड्राइव करना, इसको मैं साइड में रख दे रहा हूँ। यार इतनी गर्मी रहती है ना, ऊपर से हेलमेट पहनना होता है फिर जाकर के, वो भी मतलब एयर ब्लॉक हो जाता है, इसके लिए नहीं। तो बस ऐसे ही नॉर्मल से चलो निकल। मैंने ना गाड़ी की चाबी लेना ही भूल गया, बट देखो यार गर्मी क्या है, धूप एकदम तगड़ा, धूप आसमान दिख भी नहीं रहा है। गाड़ी की कुछ फोटोस लेने आए, इसको ना ओएलएक्स पे डालूंगा। गाड़ी देखो पड़ी हुई है, मैं चलाता नहीं हूँ एंड अब बिजनेस करते नहीं है तो भाई रखना, इसलिए सोच रहे हैं यार सेल कर देते हैं इसको, बहुत टाइम से सोच रहे हैं बट डालना ही भूल जाता हूँ। पिछले बार मैंने डाला था बट ऐड ना एक्सपायर हो गया था, तो इस बार फोटोस मैंने ले लिया फिर से डालेंगे। मैं क्यों गेट बंद कर दे रहा हूँ, मुझे निकलना भी तो है। मैंने अभी जो ना ऑफिस जा रहा था और छोटे छोटे प्यारे बच्चे मिले, इनको जो ना ड्रॉप करना था तो मैं वहाँ से यहाँ तक ड्रॉप कर दिया। और भाई साहब बहुत स्ट्रांग है आजकल के बच्चे यार, ये लोग यूट्यूब पे बहुत एक्टिव है, फिर बोलना है आएगा, ये नेक्स्ट वीक आ जाएगा तुम्हारे ब्लॉग वाले चैनल। चलो बाय बाय। चलो गाइस हम निकलते हैं, कंटिन्यू करते हैं ऑफिस पे। यार यहाँ पे पीछे देखो यार, ये सब ना जो डस्ट कचड़े वगैरह रहते हैं उसको लेके जाने वाले लोग हैं। अब ये सब क्यों बता रहा हूँ, बस नज़र में आया इसलिए बता दिया यार। लो भाई पहुंच गए भाई, अच्छा खासा मौसम। और जो बच्चे मिले थे ना भाई, क्या प्यारे प्यारे बच्चे थे यार, मतलब बहुत ही सुपर एक्टिव आजकल के बच्चे हैं। बाकी अपन तो गैस पहुंच गए अपने ऑफिस एंड दिन का कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। अरे हमारे ऑफिस में भी ना बहुत सारे कचरे पड़े थे, जब तक मैं नीचे जाऊँगा ना वो गायब हो जाएगा गाड़ी। बैठे चीज़ें करते करते ना टाइम कितना निकल गया यार, 2-3 घंटे निकल गए। मुझे ना ब्रेक लेना होगा क्योंकि कंटिन्यूसली तभी से मैं स्क्रीन पे बैठा था मेरे आँखें लगा, लॉन्ग टाइम लैपटॉप के देखना है ना, इट्स रियली स्ट्रगलिंग। चलो मैं छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, 5-10 मिनट थोड़ा रिलैक्स करूँगा, आराम से बैठूँगा फिर कंटिन्यू करूँगा। ये क्या नोटिफिकेशन आ रहे हैं भाई, मेरे नोटिफिकेशन देखो अभी तक मैंने कुछ चेक नहीं किया, सुबह से व्हाट्सएप में 304 है। मैंने अभी ना नोटिफिकेशंस देखा था भाई साहब का, मैसेजेस वगैरह आके रखा। एक्चुअली एक क्लाइंट है, उनको उनका पैकर्स एंड मूवर्स का कोई नॉर्थ इंडिया में बिजनेस है और उनके लिए जो ना वेबसाइट डेवलप करके देना है, तो दैट्स वन थिंग। और उन्होंने जो रेफरेंस के लिए मुझे जो वेबसाइट दिया है बहुत ही हाई लेवल, टेक्निकली स्ट्रांग और बहुत ही मतलब अच्छी तरीके से बनाया, बहुत बड़ी कंपनी का वेबसाइट है, तो उसके जैसा सिमिलर कुछ मुझे बनाना होगा। अब मुझे ना टाइम नहीं, मैं सुबह से देखा ही नहीं ध्यान ही, तो अब जा करके ना थोड़ा ब्रेक लेकर के बैठूंगा फिर ट्राई करूंगा। उसके रिगार्डिंग टेम्पलेट्स वगैरह कुछ है तो क्लाइंट्स को मैं भेजूंगा, अगर पसंद आ गया डील वील वगैरह हो गया मैं अपना कोटेशन दूंगा, अगर पैसे वैसे का बाद में सेट हो गया तो भाई वो एक अलग से काम आ जाएगा एंड फिर एक हफ्ते बिजी उसमें रह जाऊँगा। तो ऐसा कुछ है अभी तक का, होपफुली कि वह क्लाइंट मान जाए, अच्छी तरह से प्राइसिंग वगैरह सेट हो जाए। बाकी जो वेबसाइट उसने रेफरेंस के लिए मुझे भेजा बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और बड़ा वेबसाइट है, यानी उस टाइप की वेबसाइट बनाने के लिए नॉर्मली कोई भी एजेंसी रहती भाई आराम से 20-25 हज़ार रुपये चार्ज करेंगे उनको, दैट्स द प्राइसिंग। एटलीस्ट नहीं तो 15-16 हज़ार से नीचे तो नहीं होगा। और हाँ इससे याद आया भाई, एक और मेरा फ्रेंड ने एक्चुअली कॉल आपने बताया था, उसके भी किसी रिलेटिव को वेबसाइट चाहिए था, फिर उन्होंने बताया नहीं क्या करना है करके, तो लेट्स सी। का कैंपेन कर रहा हूँ तो उसके लिए मुझे इतने नूडल्स लेके आना पड़ेगा, पिछली बार बनाया था ना जब का चीज़ हो गया था, मैं बताया नहीं बट बताऊँगा कभी, अभी रहने देते हैं, अभी निकल रहा हूँ पहले उनको बंद करने को। चलो भाई जा रहा हूँ, हाँ बाकी तो कोई नहीं है इसलिए मुझे लॉक करना पड़ रहा है, जा रहा थोड़ा इप्पी नूडल्स लेके आऊँगा फिर बनाऊँगा, कैंपेन भी करेंगे और खाएंगे भी, क्या बोलते हो? चलो लंच का लंच हो जाएगा और साथ में काम भी हो जाएगा। क्या गर्मी है, धूप यार तगड़ा धूप है, गर्मी लग रहा है। ये लो भाई ये आ गई, फिर चलते हैं वापस पर, देख रहे हो भाई आसमान, भाई साहब क्या गर्मी है और रोड भी खाली है, लोग बाहर भी नहीं निकलते, गर्मी होके रखा ना, लोग भी क्यों निकलेंगे ज़्यादा, लोग काम से काम मतलब लोग निकलते हैं। वो गाना सुना जो हीरिये का था ना, मेरी फ्रेंड ने जाकर उसने रील्स में पोस्ट किया था भाई गाना, फिर मैंने सुना था भाई बहुत ही तगड़ा लगा यार, अच्छा खासा गाना, एकदम फुल वो टचिंग वाला सीन जो आता है ना वैसा वाला गाना, हीरिये ऐसा जो आता है। ये आ गया कलरफुल, अब बताओ ये कलर कौन सा है,
यहाँ पे येलो दिख रहा है, इसकी लंबी स्टोरी है, चलो इसको बनाते हैं बाकी। अरे पिछली बार जो बनाई थी ना उसमें ना पानी आपको पता होगा मैं बाहर निकल गया था, एकदम बेकार जैसा हो गया था, बट इस टाइम कहीं नहीं जा रहा हूँ तो इस टाइम भाई परफेक्ट वाली बनेगी, अभी लगता है पक्का प्रॉपर से बनाता हूँ। अरे यार उस कैंपेन का ना आई थिंक कुछ रूल था, ये कलर की टी शर्ट्स वगैरह मतलब जो येलोइश ऐसे ऑरेंजिश नहीं पहन सकता हूँ, मेरे पास आई थिंक दूसरा शर्ट होगा, ब्लैक एंड व्हाइट वाला शर्ट पहन लूँगा। देखो ब्रांड का जब कैंपेन्स वगैरह करते हैं ना यार उनके कंडीशंस रहता है, वो कंडीशंस मीट करना होता है वरना सीन नहीं होता है। चलो ये बनाते हैं इतनी। भाई साहब इस बार ना तगड़ा वाला बनाना है, इस बार परफेक्ट बनेगा, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं बना रहा हूँ इस बार एकदम परफेक्ट बनेगा, बिगाड़ूंगा नहीं इस बार। चलो इसको ये डाल लेंगे, ये डाल लेंगे, और जो छोटा मोटा जो टूटा है इसको साइड रखता हूँ, इसको ऐसे ही खाने में मज़ा आता है। और भाई ये रहा, अब डालेंगे भाई इसमें पूरा मसाला, और भाई फुल मैक्स, हमें तो फुल क्रेजी होना है, तो इसमें जो लिखा भी है फुल क्रेजी के लिए फुल डालो, फुल क्रेजी होना है। और भाई साहब ये अच्छा तुम लोग बताओ, तुम लोग मैगी खाते हो पसंद है ज़्यादा या फिर इप्पी वाला नूडल्स पसंद है, कौन सा ज़्यादा पसंद है, या फिर कोई और भी दूसरा है वो भी बता दिया करो, मैं ट्राई करूँगा। एक टाइम था ना मैं नूडल्स मैगी वगैरह ना बहुत खाता था, आजकल मतलब कम हो गया नूडल्स वगैरह। वैसे जो चाउमीन वाला नूडल्स आता है ना, जो नॉर्थ साइड में एक्चुअली चाउमीन करते हैं, यहाँ पे नूडल्स ही कहा जाता है उसको, तो उसको मैं बहुत खाता था। चलो भाई ये मैंने कुछ देखो पूरा इसमें ऐसे पूरा मसाला डाल दिया, अब ना प्रॉपर पानी देंगे, ना ही ज़्यादा ना ही कम, पिछली बार ना वाट लग गई थी। ये हो गया, ओके भाई साहब इस बार ना कंफर्म अच्छा बनना चाहिए, नहीं बना ना दिमाग खराब हो जाएगा। चलो कम पानी दिया हूँ, देखो मैंने बस इतना ही पानी दिया। एंड भाई इसको मिलाना पड़ेगा, रुको लो जी अपने पास तो स्पून है ही। ओ, ओ, ओ अरे यार बच गया इसको ना मुझे घुमाना है, मसाला ऊपर, अरे यार ये मसाला ऊपर पे रह गया, इसको ना अंदर की तरफ। ओह चलो ये तैयार, नाउ लेट्स पुट दिस इनटू ओवन। तो ये रहा परफेक्ट से रखते हैं, ये रखते हैं, और इसको कितना भाई 3 मिनट के लिए डाल देता हूँ, क्योंकि 2 मिनट में घंटा नहीं रेडी होता है ये सब। 2-3 मिनट वेट करते हैं, और साथ में ना रेंडरिंग तो बैकग्राउंड में चली रहा है, लैपटॉप को ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो मैंने एल्विश भाई साहब का ब्लॉग डाल दिया, वो देख रहा हूँ फिलहाल। चलो इसको बंद करता हूँ और वो रेडी होने देता हूँ, फिर मैं मिलता हूँ आप लोगों से। भाई देखो कंडीशन क्या है, येलो कलर को मैं नहीं दिखा सकता, ये भी ऑरेंज और हल्का हल्का कैमरा में ना येलो दिख रहा था, इसको मुझे चेंज करना पड़ेगा। लो ये वाला डाल दिया, ये वाला परफेक्ट मैच हो जाना चाहिए, इससे कुछ दिक्कत नहीं होगा। चलो ये हिप्पी भी तैयार है, उसको निकालता हूँ। अरे नहीं यार अभी तक रेडी नहीं हुआ, सोचा पानी कम हो गया, पानी थोड़ा होता है वैसा, फिर से 3 मिनट के लिए चढ़ा दूँ, पता नहीं यार 3 मिनट में होता है या 10 मिनट में होता है, लिटरली हैव नो आइडिया। अगली बार बनाऊंगा ना 10-10 मिनट छोड़ूंगा उसके अंदर। मस्त से बन तो गए, बट एक्चुअली इसका कलर येलो से मुझे रेड दिखाना चाहिए, सॉस भी है तो इसका भी करते हैं रेड कलर, तगड़ी बन गई। बट देखो एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है पता है, यहाँ पे देखो ये जो येलो येलो दिख रहा है, येलो नहीं दिखना है एक्चुअली, हमें जो है ना इसको रेड करके दिखाना है। तो लेट्स मेक सम सॉस, वैसा एकदम रेड हॉट सॉस है मेरे पास और खाने में भी अच्छा लगता है, तो ये वाली सॉस को इसके अंदर मिला देंगे। होपफुली भाई ये रेड में कन्वर्ट हो जाए, पता नहीं यार देखो ये रेड दिख रहा है कि नहीं, हल्का हल्का रेड दिखना चाहिए।
मैंने जितना सॉस डाला था उससे पूरी तरह से रेड हो नहीं रहा है, तो मैंने और थोड़े सॉस लेके घर से लेके आया था और ये मैंने बेकरी से थोड़े और सॉस लेके आ गया। कुछ थोड़े से में मुझे ना रेड कलर का वो टेक्सचर लाना है। देखो वैसे कैंपेन्स वगैरह होता है, बहुत सारी चीज़ें जो आप लोगों को दिखता है ना टीवी वगैरह पे स्क्रीन वगैरह पे, तो अलग रहता है चीज़ें, कुछ अलग रहता है बनता कुछ अलग। भाई टेस्टी है ऐसा सॉस, मुझे बहुत पसंद है यार सीरियसली। What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding view. तो फाइनली ये तो हो गया, बट इसको ना अभी खत्म नहीं करूंगा पिछली बार। हाँ ये है, इसको खाएंगे, मजा आता है वो खाने में। ये मुझे लंबे लंबे ऐसे मुझे बहुत पसंद है। I can't see the end, but we'll see it through. तो परफेक्ट हो गया कैंपेन का और ये भी चला गया, बाकी ये जो बचा है इसको मैं खा लो। तो मतलब थोड़ा मैं साइड में रखा हूँ इसे कि बाई चांस अगर फिर से रीएडिट करना पड़ेगा तो मैं उसको यूज़ करूँगा। और अभी के लिए भाई सर ना एकदम परफेक्ट टेस्ट बना है, एंड यू नो द रीजन। और सब मैं ना भूल ही गया था, लगे हाथों ना लंच भी कर लेते, चपाती वगैरह लेते हैं तो लंच भी ख़त्म कर लेते हैं साथ ही में। इतना जल्दबाजी में था इसको खा ही गया। चलो लंच है चपाती इसके साथ खाते हैं। पेन वाला चीज़ ना सक्सेसफुली सेट हो गया। मैंने एक्चुअली ना थोड़ी सी ये बचा के रखी थी, मैंने ख़त्म नहीं की थी। कल मैं कर रहा था ना उसमें कुछ मिस्टेक हो गया था जिसके बाद में वो रिजेक्ट हो गया, और तब तक मैंने ये भी ख़त्म कर दिया। नहीं परसों जो मैं कर रहा था, तो इस बार मैंने सोचा अगर रिजेक्ट विजेक्ट होता ना थोड़ा सा मैं बचा के रखता हूँ। अब देखो भाई ये एक घंटा के बाद में इसको हल्का सा गर्म करके मैं अब मैं ख़त्म कर लेता हूँ। भाई हमारा इंटरनेट गायब हो गया, वाईफाई यार मतलब वाईफाई ख़त्म हो जाने से ना बहुत दिक्कत होता है। इसको ना मैं थोड़ा गर्म करने डाल देता हूँ, ठंडा हो गया ओवन तो है, बराबर गर्म करते हैं और मस्त से खाते हैं, क्या बोलते हो। वैसे गर्म करने के बाद ना तगड़ी तो लग रही है, खाने में मज़ा आ रहा है सीरियसली। अच्छा आप लोग बताओ यार मैगी पसंद है या फिर लिपी नूडल्स या फिर कुछ और। चलो मैं ख़त्म करता हूँ जल्दी जल्दी, और कुछ काम भी बचा है वो भी करना है मुझे, फिल करना है। ये क्या रखा है, ओके बाय। चेक दिस सन, देखो किस हिसाब से आके रखा, मतलब ब्यूटीफुल मतलब मस्त क्लाइमेट होके रखा है। और पास में यहाँ पे देखो जो ये कंस्ट्रक्शंस लोग ये लोग कर रहे थे ना, देखो भाई बहुत अच्छा खासा मतलब दीवार वगैरह पूरा उठा दिया है, देख रहे हो पूरा जो लास्ट टाइम मैंने आपको दिखाया था। बट थोड़ा सा स्लो में काम कर रहे हैं, बट हाँ ये सब काम होने में थोड़ा टाइम लगता ही है। और बाकी वह पूरा वहाँ से ये आई थिंक जो ना पूरा घर का मॉडल बन रहा है बाकी। और देखो बर्ड्स देखो यार, वाओ और भी बर्ड्स आए, वाओ भाई साहब क्या क्यूट लग रहे हैं। और बहुत दिन बाद ऐसा सुनहरा मौसम आया है, क्लियर स्काई है थोड़ा। मैं ना कुछ देख रहा था और अचानक से KRK भाई साहब का वीडियो आ गया, न्यूज भाई के वीडियो में दिखाता हूँ रुको। तो यार अब आप लोग बताओ भाई कमेंट सेक्शन में ये सब का क्या लगता है, आपके दिमाग में क्या है बताओ मुझे, इसके दिमाग में ये आपके दुकान में क्या है बताओ, दुकान यार दिमाग के अंदर में क्या है कॉमेंट जरूर करना इसके ऊपर। भाई इसी के साथ में अपना टाइम 8 बज गए, टाइम टू गो होम। चलते मैं, दिन अच्छा गया आज भाई, मस्त तगड़ा गया, सही सही गया, ओके। तो मैं निकलता हूँ और आप लोग बताना जरूर, बट इसके बारे में जरूर बताना सीरियसली, इसको थोड़ा मैं कंप्लीट करके अभी निकलता हूँ। तो वैसे मैं ना अभी निकलने वाला था, बट देन देखो टाइम देख लो अभी इतना हो रहा है 8:13, बट देन एक ना स्कैमर का मुझे मैसेज चल रहा था, मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ कि किस तरह से ये लोग जो ना स्कैम करते हैं आप लोगों को लूट सकते हैं, ठीक है। तो
रुको कैमरा चेंज करता हूँ एंगल। देखो वैसे ये वाला देख रहे हो, ये वाला देखो नंबर से मुझे मैसेज आया हाय हाउ आर यू करके, और मैंने इस तरह से रिप्लाई किया, और उसके बाद में आप देख सकते हो इसने बोला कि मैं जॉब ऑफर करता हूँ 4,000 से 1,000 रुपये पर डे वगैरह मैं दूंगा। एंड मैंने बोला ठीक है, मुझे पता है ये स्कैम है, द पोजीशन इज मेनली टू एम्ड, आप पढ़ सकते हो भाई, मतलब ये पूरी तरह से कन्विंस करा। और यहाँ पे करना क्या होगा, एक वीडियो को लाइक करना होगा और उसके बाद में स्क्रीनशॉट भेजना होगा, जिससे 100 to 200 फिर 400 रुपए तक भी मतलब कमा सकते हो। अब देखो नॉर्मल कोई इंसान होगा भाई साहब देखो खतरनाक से फंस सकते हो इसमें, बहुत बड़ा ट्रैप रहता है ऐसे वाला। फिर उसने लिंक वगैरह देखा, आई मीन वीडियो का दिया, तो मैंने आप लोगों को देखो बताने के लिए मैंने ये किया है, मैंने उसका जो ना स्क्रीनशॉट भेजा लाइक करके। और फिर उसके बाद में नीचे देखो, फिर यहाँ पे भी देख सकते हो, एंड यहाँ पर फिर से मैंने दूसरा वाला भी भेजा, उसके बाद में उसने बताया तो मैंने ऐसे कुछ डिटेल्स वगैरह दे दिया। फिर उसने मुझे टेलीग्राम का एक लिंक भेजा है, अब क्या होगा इस टेलीग्राम के ऊपर ना इसको एक कोड भेजने का ये लोग बोल रहे हैं। तो मैंने यहाँ टेलीग्राम पर जैसे कि यहाँ देख रहे हो गाइस, ये देखो, और ये रहा टेलीग्राम पर ये वाला नंबर, नंबर तो नहीं आता ये सब नाम ही आता है, ठीक है। और फिर उसने जो कोड दिया था वो कोड वगैरह मैंने दिया, फिर इसने भेजा कि भाई देखो फिर से ये करो करके। तो अब मैंने इसको करके देखो भेजता हूँ आपको, जरा पूरा चीज़ बता दो भाई साहब, ये ना खतरनाक लेवल का स्कैम होता है। अगर यार तुम लोगों के पास में ऐसा मैसेज आता है भाई, इन सभी चक्कर में मत पड़ना भाई साहब, बहुत खतरनाक। चलो मैं इसको करता हूँ देखो अभी, ओके तो ये देखो अभी, अब ये रहा, मैं लाइव ही करके दिखा सकता हूँ तुम लोगों को। अच्छा गाइस ये वाला देखो, आप देखो इसने जो लिंक भेजा है ना इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं, इस लिंक पे मैं दिख रहा हूँ, तो ये वाला वीडियो ओपन होता है, ये कर देता हूँ लाइक, इसका मैं ले लेता हूँ स्क्रीनशॉट। और भाई साहब रुको यार, इसको हम, अरे यार कहाँ गया ज्योत्सना, ये रहा रुको स्क्रीनशॉट, ये देखो भेज दिया मैंने तुम लोगों के आंखों के सामने भाई, सब कर रहा हूँ देखो यार, मतलब यार कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में, मतलब ऐसे करके लोगों को लूट भाई साहब, ये ना खतरनाक लेवल के ये लोग स्कैम करते हैं पता है, लालच देंगे पैसे का, ये करेंगे पहले तो पैसे देंगे, फिर भाई साहब फिर तुम्हें लूट लेंगे, मतलब तुम्हारे अकाउंट से और भी पैसे वगैरह ले लेंगे, बहुत ये सब सीन है भाई साहब। कभी ना यार देखो एक दोस्त की तरह बात मानना, कभी भी ऐसे सभी चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना, पैसा कमाना आसान नहीं है। ये बात सुन देखो रिप्लाई भी आ गया, अब इसको चाहिए मेरा, आप क्या बोल रहे, कंग्रेचुलेशंस ऑन कंप्लीटिंग द नोवाइस टास्क रिवार्ड ऑफ 150 रुपीज़, मतलब बस लाइक करो वीडियो को और पैसे कमा लो करके। आफ्टर फिलिंग इन दिस इन्फॉर्मेशन, और क्या बता रहा है भाई रुको, आफ्टर फिलिंग इन दिस इन्फॉर्मेशन आई विल इन्वाइट यू टू द मिशन ग्रुप एंड सेटल योर कमीशन, एज, व्हाट्सएप नंबर, ऑक्यूपेशन, सिटी। चलो ये सब डिटेल मैं भेज देता हूँ, मेरा नंबर दिख जाएगा, फिर मैं भेज करके मैं तुम्हें बताता हूँ क्या होता है स्टोरी, मैं बताता हूँ रुको। ना डिटेल विटेल वगैरह उसको भेज दिया, आप देखो ये लोग क्या करेंगे पता है, अब ये लोग ना मुझे बैंक अकाउंट डिटेल्स वगैरह मांगेंगे, साथ में यार मैं बंद भी कर लेता हूँ, मुझे निकलना है ठीक है। तो ये लोग पैसा मतलब बैंक अकाउंट वगैरह भेजने बोलेंगे, बोलेंगे हाँ तुम सेलेक्ट हो गए ऐसे सभी जॉब में, अब तुम्हारी मस्त से कमाई वगैरह होगी और ये पैसे वगैरह मैं आपको ट्रांसफ़र करूँगा, अपना अकाउंट डिटेल्स वगैरह दो करके बोलेंगे ठीक है। रुको एक सेकंड, तो हाँ यार, तो हाँ तुम्हारे अकाउंट वगैरह डिटेल्स मुझसे लेंगे, फिर उसके बाद में कुछ 150 या 210 रुपीस ऐसा कुछ जो बताए ना मैसेज में, तो वो पैसा मुझे ट्रांसफ़र कर देंगे और कन्फर्मेशन ले लेंगे, हाँ भाई स्क्रीनशॉट वगैरह दो, और एक ग्रुप में डालेंगे हम लोगों को, फिर उसके बाद में वहाँ पर भी और भी बहुत सारे लोग ऐसे स्क्रीनशॉट वगैरह पोस्ट करते रहेंगे ठीक है। तो इस तरह से ऐसे फंसाने का काम करते हैं ये लोग, मतलब स्टार्टिंग में तुम्हें पैसे दे देंगे, बोलेंगे भाई अरे फ्री का पैसा आ गया ले लो करके, तो फिर इसके बाद में इनका गेम शुरू होता है। ये क्या करेंगे फिर तुम्हें ना एक प्लान से इंट्रोड्यूस करवाएंगे, एक प्लान देंगे जैसे कि अभी एक क्लिक के ऊपर तुम्हें जैसे एक बार लाइक करते हो तो भाई 50 रुपये मिल रहा है ठीक है। इसके जगह पे क्या करेंगे भाई, तुम्हें अगर 100 रुपये 200 रुपये चाहिए तो आपको एक प्लान लेना पड़ेगा जिसमें इतना डिपॉजिट करना होगा। अब किसी भी एंगल से कुछ ना कुछ स्टोरी बना करके कुछ ना कुछ पैसे वाला स्कीम डालेंगे कि भाई 1,000 पे 2,000 पे 5,000 पे 10,000 पे 50,000 पे, अलग अलग टाइप का इन लोगों का ना प्लान चलते रहता है, तो ये सब डालेंगे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लेने के लिए। फिर बोलेंगे कि भाई तुम स्टार्टिंग से अगर तुमने मना किया कि नहीं नहीं मुझे डिपॉजिट करने की, बोलेंगे थोड़ा सा पैसा डाल के देखो, और ग्रुप में सभी लोग मैसेज करते हैं कि मेरा अर्निंग इतना हुआ है आज, मैंने भाई 10,000 कमा लिया, आज मैंने 50,000 करा, कभी कभी 1-1 लाख रुपये अर्निंग का एक दिन का भाई वहाँ पर स्क्रीनशॉट करते रहते हैं। और ज़्यादातर लोग ना इन्हीं के लोग रहते हैं, स्कैमर्स लोग ही रहते हैं, कुछ रियल बंदे भी हो सकते हैं, क्योंकि रियल बंदे क्यों बोल रहा हूँ बताऊँ, कुछ लोगों को ये लोग जो है ना जब स्टार्टिंग के दिन में कुछ पैसे दे दोगे तो भाई वो उसके हिसाब से फिर से वही काम करवाएंगे, लाइक करवाओ स्क्रीनशॉट भेजो और कुछ पैसे वैसे वगैरह तुम्हें दे देंगे।
ऐसे करके किसी किसी लोगों से देखो 1000 रुपए लिया, जिसका वादा किया भाई हर लाइक पे तुम्हें 100 रुपए देंगे तो उनको 300 रुपए भी दे देंगे। तो हो सकता है भाई 2 बार 3 बार या फिर 1 बार या फिर 0 बार भी हो सकता है, या फिर 4-5 बार ना तुम जैसे जैसे पैसे बढ़ाते जाओगे ना उस हिसाब से ये लोग पैसे देंगे करके। बट एक बार ऐसा आएगा तुम ज़्यादा पैसे दे दोगे, फिर उसके बाद में कुछ ना कुछ एक रीज़न बताएंगे कि अब तुम्हें इसको निकलवाना है तो तुम्हें ये करना होगा या फिर ये हो गया, मतलब कुछ ना कुछ करके तुम्हारे जब ज़्यादा पैसे जाएंगे ना तब फांस लेंगे तुम्हें भाई। मतलब इस तरह से गेम चलता है। मैंने रिसेंटली मेरे कुछ वीडियोज़ पे कमेंट्स आ रहे थे भाई, किसी का 1.5-1.5 लाख रुपए फंसा, किसी ने तो भाई मुझे 5-5 लाख रुपए का टीजे बता रहा। मतलब इस लेवल के लोग डिपॉजिट मतलब उन लोगों से कराते रहते हैं, उनको अर्निंग देते देते रहते हैं, किसी को 10,000, 20,000, 40,000, किसी को भाई 50-60,000 अर्निंग हो जाए मतलब एक दिन के अंदर में या फिर एक हफ्ते के अंदर में तुम्हें दिखा रहे सिर्फ तुम पैसे दो और तुम्हें जो है ना इतने पैसे वगैरह अर्निंग हो जाएगा, तो वो ऑब्वियसली लालच के चक्कर में पैसे वगैरह दे देते। मैंने बहुत सारे लोगों से बात किया यार ऐसे, मतलब मेरा दिमाग उड़ गया, मतलब ऐसे ऐसे लोग हैं करके फंसते हैं करके। तो इस लेवल की ये सब चीज़ें चलती है भाई। लोग जिसका 50-5 लाख रुपए सोचो भाई जिसने मतलब ऐसे गायब कर लिया तो उनका क्या हाल हुआ रहेगा। तो मत ओवरऑल कि भाई ये सब स्कैम है यार, तुमसे पहले 1000 रुपए ही स्कैम कर सकते हैं, या फिर तुमने जैसे 500 रुपये दिया उनको या फिर 1000 रुपये दिया उसी टाइम में तुमसे स्कैम कर ले, या फिर हो सकता है कि तुमसे तुम्हें भाई 10-15 हज़ार तुम्हें अर्निंग दे और उसके बाद में तुमसे स्कैम कर ले, मतलब जो भी डिपॉजिट जब तुम 20,000 रुपये भरो उस टाइम में फिर वो कुछ ना कुछ रीज़न दे करके ये सब कर दे, कुछ भी हो सकता है भाई साहब। मतलब कैसे ना कैसे करके ये लोग तुम्हें फंसने के लिए बैठे हैं। तो मेरा राय रहेगा यार, कोई भी देख रहे हो तो भाई बताओ अपने दोस्तों को भी, अपने फैमिली मेम्बर्स में बहुत सारे जिनको देखो इंटरनेट की दुनिया का वगैरह जिनको आइडिया नहीं रहता है, जिनको ये सब स्कैम्स वगैरह कैसे काम करता है वो सब आइडिया नहीं रहता ना, उन लोगों को इजीली ये लोग फंस लेते हैं। अच्छा भाई वीडियो तो हाँ मैं कहाँ था, तो मतलब ये लोग हो सकता है देखो अपोजिट वाला पर्सन शायद एक क्या बोलते हैं कोई फार्मर ही हो या फिर कोई बूढ़े बुजुर्ग हो जिनको ये सब नॉलेज वगैरह ना हो कि इस तरह से स्कैम होता है, या फिर कोई गांव का बंदा है कोई विलेज में जिसको ये सब नहीं पता है। बहुत टाइम में तो यार सिटी में रहने वाले जो पढ़े लिखे लोग हैं, हालांकि मैं भी ऐसे में फंस चुका हूँ, तो नो डाउट देखो हर कोई फंस सकता है। इस लेवल की ये लोग बात ही करते हैं, इस लेवल से ये लोग जाली बिछाते हैं कि मतलब कोई भी इंसान आसानी से फंस सकता है और बहुत लोग फंसते रहते हैं। और उसके बाद में तुम अगर कंप्लेंट भी करते हो यार साइबर उबर में कंप्लेंट भी करते हो तो आई डोंट थिंक यार मुझे देखो अभी तक प्रॉपर ऐसा कुछ फिक्स मिला। मेरे बहुत सारे पुराने अगर चीज़ों में मैंने बताया हूँ मेरे साथ भी बहुत सारी चीज़ें हुआ है, तो वो सब चीज़ में तो ना ही तुम्हें उतना सपोर्ट मिलेगा, ना ही साइबर क्राइम, ना ही बैंक वाले उतना कुछ कोऑर्डिनेट करेंगे। और अल्टीमेटली देखो अगर कोऑर्डिनेट भी करेंगे अगर तुम्हारा साथ भी देंगे ना तो भाई तुम्हारे पैसे वापस नहीं आएंगे। दैट्स द यू नो कोल्ड ब्लडेड रियलिटी भाई साहब। तो दैट्स द सीन। और हाँ यार सॉरी माफ़ करना मुझे लेट हो रहा है, मुझे आपसे ये बताना भी था और साथ में मुझे घर के लिए भी निकलना था, तो मैं ऐसे ऐसे कर लूँ। टाइम की कमी यार ज़िंदगी में, सोचो इतना टाइम की कमी होने के बावजूद मैंने आप लोगों के लिए वीडियोज़ बनाता हूँ, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, आप लोग भाई लाइक तक नहीं करते हो। ये डिजिटल भीख मांगा जा रहा है देखो भाई। चलो की ले लिया, अब मुझे ना लॉक करना होगा। चलो मैं निकलता हूँ, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। हाँ डिजिटल भीख को स्वीकार करें। चलो यार मैं बाद में बात करता हूँ। लोगों से बात करते करते ना 8:30 बज गया। अच्छा सुनो, हाँ इसका ना मैसेज का रिप्लाई आया है, रुको मैं दिखाता हूँ भाई साहब, मैं दिखाऊँ तो ये देखो मैंने जो ना मेरा पर्सनल डिटेल हाइड कर दिया हूँ, बस टेंशन ना लो। नीचे में मतलब इस तरह का देखो बोल रहा है बैंक डिटेल्स भेजो करके, मैंने बताया ना सेम स्टोरी रिपीटेड। इनको भेजता हूँ एक बैंक डिटेल एंड लेट्स सी क्या रिस्पॉन्स आता है, मैं बताता हूँ तुम लोगों को तब तक, और मैं घर भी निकलना है। चलो यार और चलो भाई अपन टाइम बाहर निकल गए भाई आसाम से। चल जा सबसे पहले घर आओ तो भाई फ्रेश अप हो जाओ, उसका देखते हुए मैसेज आया है कि नहीं। हम तो भाई एक मिशन पे हैं। ओके तो यहाँ पे लिखा जा रहा है कि ओके रुक जाओ, फैन की आवाज आ रही होगी। तो इसने कुछ मर्चेंट वगैरह को सबमिट करेंगे जो कि अकाउंट में 30 मिनट्स के अंदर में पैसे भेज देंगे बोल रहे भाई। और ये करीबन कितनी देर पता है, 20 मिनट पुरानी मैसेज है, 20 मिनट पहले आया था। हम अकाउंट देखते हैं,
ये देखो रुको मैं दिखाता हूँ, रुको 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 भाई लेजिट, ये देखो लेजिट दिख रहा है तुम्हें, 150 रुपीज इसने क्रेडिट कर दिया। मैंने बोला ना इसी तरह से स्कैम बनता है। चलो मुझे टाइम हो रहा है, मुझे खाना पीना खा कर मैं फिर कंटिन्यू करता हूँ इस मैटर को। चलो अब सब कुछ मत तो पूरा बात समझ में आ गया होगा। चलो मेरा डिनर विनर मस्त हो गया रात के, अभी भाई साहब कितने 12 बजने वाले हैं। तो मूल मंत्र आज का भाई, ऐसे स्कैम से बच के रहना भाई, ये सब स्कैमर लोगों से दूर रहना, क्या कर सकते हैं, स्कैम करने वाले बहुत लगे हैं, बट आपको सतर्क रह के रखना है। एंड इसी बात पे गाइस इस वीडियो को ब्लॉग को बंद करते हैं। और हाँ, मैंने अभी जस्ट मैंने ऑब्जर्व किया कि अहसोका नाम से स्टार वॉर गैलेक्सी का एपिसोड सीरीज वगैरह जो है ना हॉटस्टार पे जस्ट लिस्ट हुआ है, तो मैं वो देख रहा था। अगर आपने इसे किसी देख लिया है तो भाई मुझे नीचे कॉमेंट करके बताना। बाकी 2 एपिसोड्स हैं जो अभी अवेलेबल, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ देखने के लिए इसको। एक एपिसोड शायद मैं एक पूरा देख करके फिर सोऊंगा, फिर मैं कल बताता हूँ कैसा करके। बाकी अगर तुम लोगों ने देखा है तो कमेंट। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट। गुड नाइट।